तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे लेंथ ऑफ इंटरवल की। लेंथ ऑफ इंटरवल क्या है? इससे पहले वाले लेक्चर में आपने देखा होगा फोर टाइप्स के इंटरवल हैं हमारे पास। एक तो है कौन सा, ओपन इंटरवल, एक है क्लोज इंटरवल, एक है क्लोज्ड ओपन इंटरवल एंड ओपन क्लोज्ड इंटरवल। तो जो लेंथ ऑफ इंटरवल होता है वो क्या होता है? लेंथ ऑफ इंटरवल जो होगा वो होगा नंबर बी माइनस ए, यानी कि बी में से हम ए को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, लेंथ ऑफ इंटरवल। लेट सपोज दैट आपके पास एक इंटरवल है 10, 40 और मैं आपसे पूछूं कि लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगी, तो लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगी इसकी, बी यानी कि 40 माइनस ए यानी कि 10, तो लेंथ ऑफ इंटरवल जो आ रही है वो आ रही है 30। अब आप इस दिमाग में आ रहा होगा कि अगर यहां 10, 40 क्लोज इंटरवल की जगह ओपन इंटरवल होता तो क्या होता, तो भी जो लेंथ ऑफ इंटरवल होती वो क्या होती, 30 ही होती। अगर आपके पास क्लोज्ड ओपन इंटरवल है तो भी लेंथ यही रहेगी, और अगर आपके पास ओपन क्लोज्ड इंटरवल है, ये तो कौन सा है, क्लोज इंटरवल, ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज्ड ओपन इंटरवल है और ये ओपन क्लोज्ड इंटरवल है, तो लेंथ ऑफ जो इंटरवल रहेगा वो 30 ही रहेगा चाहे इंटरवल जो भी हो। तो यही चीज यहां ऊपर लिखी गई है, द नंबर बी माइनस ए इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ एनी ऑफ द इंटरवल दिस और दिस, यानी इनमें से कोई भी हो इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल क्या रहेगी, बी माइनस ए ही रहेगी। तो ये हुई बात लेंथ ऑफ इंटरवल की। अब हम बात करते हैं किसकी, पावर सेट की। तो पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, देखिए, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए, यानी सेट ए है आपके पास, कोई एक सेट ए है, सेट ए है आपके पास, इसमें मान लीजिए आपके पास एलिमेंट्स है 1, 2, 3, ठीक है। तो यहां पे बात की जाएगी पावर सेट ऑफ ए की। तो पावर सेट ऑफ ए क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस पी ऑफ ए, यानी पावर सेट ऑफ ए। इसको हम रीड कैसे करेंगे, पावर सेट ऑफ ए डिनोट इससे करते हैं। तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, ऑल सबसेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए। तो भैया सेट ए के पहले तो हम बात करते हैं सबसेट्स की। तो यहां पे आपके सामने एक सेट ए है, इसके सबसेट्स क्या होंगे, देखिए, अगर मैं ये जो एलिमेंट है 1 इसको मैं ब्रैकेट के अंदर रख दूं तो ये क्या है, इसका सबसेट बन गया, ठीक है ना। अगर मैं एक और सेट बना लूं जिसमें एक ही एलिमेंट है 2 तो ये क्या है, सेट ए का क्या है, सबसेट है। एक और सेट बना लू किसका, 3 का, एक एलिमेंट इसका 3 का, तो ये भी क्या है, इसका सबसेट है। और भी और कौन कौन से सबसेट होंगे इसके, 1, 2, आपको सबसेट तो पता ही होता है क्या है, 1, 2, 2, 3, ठीक है ना, 2, 3, 1, 3 और लास्ट जो है आपका 1, 2, 3। आपको पता होना चाहिए कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इनके अलावा एक और सबसेट है इसका, और ये 5 जो है सबका सबसेट होता है, आपको पता है एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये जितने भी आप सेट लिखे हैं सारे मैंने, ये क्या है, सेट ए के सबसेट्स हैं। हम क्या करते हैं, ये जो सेट है ना, ये जो सारे सबसेट्स है ना, इनका एक सेट और बना लेते हैं। ये क्या है, सबसे पहले चीज तो ये है, आपके पास एक सेट है ए, इस सेट ए के मैंने क्या लिख लिए, सारे सबसेट्स लिख लिए। अब इन सबसेट्स का क्या करता हूं, मैं सेट बनाता हूं। सेट बनाने का मतलब ये है भैया, आप किसी भी वैल्यू को कर्ली ब्रेसेस के अंदर रख देंगे तो क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। तो ये किसका सेट बन गया, जाहिर सी बात है जितने भी सबसेट्स मैंने लिखे हैं इनका एक क्या बन गया, एक सेट बन गया।
तो इस सेट को ही हम क्या कहेंगे, पावर सेट ऑफ ए। अब ऊपर आप डेफिनेशन पढ़ लो, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये सारे क्या है, सेट ए के सारे क्या है, ये सबसेट्स है। तो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, इनका क्या बना दिया मैंने, एक सेट बना दिया, और इस सेट को ही क्या कहा हमने, पावर सेट ऑफ ए। तो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, एंड इट इज डिनोटेड बाय पी ए, यानी पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, ये होगा। चलो अभी भी नहीं आया समझ में, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नाम दे दो कुछ और, सेट बी दे दो। मान लीजिए आपके पास सेट बी है, इसमें एलिमेंट है आपके पास ए कॉमा बी। तो चलिए इनके सबसेट्स की बात करते हैं। सबसे पहला तो सबसेट आप, ये तो है ही कॉमन कि फाइव तो बी का सबसेट होगा ही, जो ए होगा ब्रैकेट में रख दिया, तो ये सेट क्या होगा, इसका बी का सबसेट होगा, ये भी बी का सबसेट होगा, और ए कॉमा बी जो खुद सेट है वो भी इस सेट का सबसेट होगा, और इनको मैंने विद कर्ली ब्रेसेस में मैंने इनको एनक्लोज कर दिया, तो ये जो बना, ये क्या बना, पावर सेट ऑफ बी, यानी कि इसका पावर सेट। तो ये हो गया किसका, किसकी बात, पावर सेट की। अब यही हम बात कर लेते हैं किसकी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे पावर सेट में वो कितने होंगे। तो देखिए यहीं पे बात कर लेते हैं, सिंपल यही साइड में मैं आपको बता देता हूं। इफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट ए इज इक्वल्स टू पी, अगर अगर एक सेट है आपके पास ए, उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, पी है, देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 2 to the power p। अब आप कैलकुलेशन कर लो भाई, आपके पास ऊपर क्या था, ऊपर सेट ए था, इसमें एलिमेंट्स कितने थे, 3 थे, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल्स टू कितना है, 3। देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए जो होगा वो कितना होगा, 2 to the power 3, और 2 to the power 3 का मतलब 2 का क्यूब क्या होता है, 2 to the 4, 4 to the 8। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे पावर सेट ऑफ ए में, 8। चलिए काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना। ये सारे क्या है, इसके सबसेट ही तो है, तो जितने भी सबसेट है, जितने भी सबसेट आएंगे वही तो है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स है, 8। नीचे बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, आपके सामने बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 ही एलिमेंट है, ठीक है कोई बात नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ बी कितने होंगे, 2 to the power 2, है ना, तो यानी कि 4, कितने एलिमेंट्स होंगे, 4। काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, देख लीजिए आपके सामने है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, 2 to the power p, आप याद रख लीजिए। अगर सेट में कितने एलिमेंट्स है, p है, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 to the power p। तो ये हुई बात पावर सेट की। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिवर्सल सेट की। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप हमारे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही पास में जो बेल का आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।